नमस्कार अर्गस बड़ खबर को स्वागत करुछी मु निवेदिता। बड़ खबर रे आमे एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग ने आलोचना करबा। ओडिसा रे एनईपी अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जेतेबेले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आसीबो एहा द्वारा पिला माने बा पिलांको पई कोन व्यवस्था बा कोन सुविधा हेबो। 2025 सुधा राज्य रे स्कूल स्तर रे लागू हेबो जातीय शिक्षा नीति। एथि पई राज्य सरकार को पखरु योजना हेउछि बोली विद्यालय एवं गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिछन्ति। गोटिए परे गोटिए कार्यक्रम हाथ को निया जाउछि। एनईपी राज्य रे लागू हेबा पई टास्क फोर्स कमिटी गठन होइछि। एहा सहित 6टी सब कमिटी मध्ये गठन होइसाछि। समस्त सब कमिटी रेकमेंडेशन देबे, एहा परे समस्तक मतामत एनईपी लागू करा जीवो। विगत दिन रे राज्य रे थिबा शिक्षक अभाव को पूर्ण करबा व्यवस्था आमे करूछु। शिक्षा क्षेत्र रे जहां आवश्यक ता विभाग पूर्ण पई चेष्टा करछि। तबे कथा आसुछि जे राज्य स्तर रे जेतेबेले एनईपी लागू करा जीवो कौन एहा द्वारा स्कूल स्तर रे छात्र छात्री माने उपकृत होबे। अन्य पटे आमे देखि छेंती जे स्कूल रे शिक्षक अभाव रहि छेंती, पिला माननको उपयुक्त पाठ पढ़ा रे मध्ये समस्या आउछि। कोटि अधिक उपस्थान थिला बेले जति कि शिक्षक आवश्यकता थांती सेति कि नाहंती, तो एने मध्य सरकार चेष्टा करछन्ती। ए बाबद रे गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड प्रतिक्रिया रखिछन्ती। तापरे नजर पकाइबा, तापरे आम प्रतिनिधि स्वप्नांजलि महांती आम सहित जोड़े अन्य अतिथि जोड़े आलोचना करबा। देखंतु ओडिशा सरकार आमर मान्यवर श्रीजुक्त मोहन चरण माझी तांकरी नेतृत्व रे ओडिशा रे वर्तमान एनईपी लागू हेबा को जाउछि। आउ ता पई जो टास्क फोर्स कमिटी गठन हो सारी ता सांग को भी आम छ गोटी जो थीमाटिक सब कमिटी अच्छी ताकू भी आम गठन करीचे। से माने रिकमेंडेशन देवे, से रिकमेंडेशन माध्यम समस्त मतामत नहीं परवर्ती समय निर्णय कराब एनईपी केमती ओडिशा रे लागू हबो ताकू फाइनालाइज करी आम ओडिशा रे एनईपी को लागू करबू। ता सरकार संपूर्ण भाव सचेतन रही निश्चय ओडिशा दिने शिक्षा क्षेत्र रे गोटे अग्रणी राज्य हम एथिपाई सबु क्षेत्र रे आमे प्रयास करूछु। 2025 सुधा स्कूल स्तर रे जातीय शिक्षा नीति बा एनईपी लागू हेबो एवं एहा द्वारा कोन स्कूल स्तर रे डेवलपमेंट हेबो, पिला माने आरो केमती सुविधा पाइबे जाकु नै सरकार मध्ये चेष्टित। ए बाबत रे आमे आलोचना करबा। आम सहित खूब शीघ्र स्वप्नांजलि महांती आम प्रतिनिधि जोड़ी हेबे। आम सहित वर्तमान डॉक्टर आर्तत्राण मिश्र शिक्षाविद आम सहित जोड़ी होउछन्ती। आज्ञा स्वागत करूछि अर्गस न्यूज को आलोचना को। जातीय शिक्षा नीति बा एनईपी आमे जाकु कहबा 2025 सुधा याकु लागू करबा पाइ जहाँ प्रक्रिया आरंभ होइछि आमे गोटे प्रकार कहिपरिबा। जानिबा को चाहिबो डॉक्टर मिश्र जे प्रकृतरे एनईपी लागू हेबा द्वारा स्कूल स्तर रे कौन से माने छात्र छात्री माने यार द्वारा सुविधा पाइबे एवं एनईपी रो लाभ कौन पाइबे से माने करबो, एनईपी आसीबा द्वारा कौन परिवर्तन हेबो विशेष करी स्कूल स्तर रे केम देखु छथि आकु। राष्ट्र मैडम राष्ट्रीय शिक्षा नीति गोटे प्रथमे शिक्षा क्षेत्र रे समानता आनिबो नंबर 1। आमर जेंति आपन स्ट्रक्चर विषय रे समस्ते आमर जो माने दर्शक बंधु माने थिबे वर्तमान से माने समस्ते जानि सारलेनि आमर एजुकेशनल स्ट्रक्चर कोन रहिबो 5+3+3+4 दैट इज प्री स्कूल अप टू 5, मिड स्कूल फ्रॉम 6 to 8, हाई स्कूल फ्रॉम 6, 8 to 11 एंड ऑल ग्रेजुएशन डिग्रीज फ्रॉम स्टैंडर्ड 12 ऑनवर्ड्स फॉर 4 years विथ स्पेसिफिक कोर्स फॉर स्पेशलाइज्ड आउटपुट फ्रॉम 6 standard ऑनवर्ड्स वोकेशनल कोर्सेस विल बी इंट्रोड्यूस्ड विच विल एम्पावर एंड एनरीच आवर चिल्ड्रेन। ए जो वोकेशनल कोर्स गुड़ाक उपर एम्फोसिस दिजिव सेगुड़िक आम पिला सशक्त करिब, आम समाज को सशक्त करिब, आउ एम्प्लॉयबिलिटी ताकु बढ़ेब। ता संगे मु कहिबाकु चाहिबि राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे आमर दुईटी विशिष्ट अंग अछि जोटा होछि रिसर्च ओरिएंटेड साइंटिफिक टेम्परामेंट लॉजिकल थिंकिंग को बेसी इंपोर्टेंस दिया छि हला कि, तनु एटा आम समस्त पिलांकर भितरे जो अंतर्निहित गुणावली अछि पिलामानक भितरे विभिन्न पिलांकर कहार राइटिंग रे एबिलिटी अछि, कहार विज्ञान क्षेत्र रे एबिलिटी अछि, विभिन्न वोकेशनल क्षेत्र रे जार इंटरेस्ट रहूची सेई पिलामानकर इंट्रिंसिक एटीट्यूड तांकर इंटरेस्ट तांकर एप्टीट्यूड को बहुत इंपोर्टेंस प्रति अनुष्ठान रे प्रतिष्ठान रे पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन रे दिया जीवो एंड इट विल स्टार्ट राइट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन राइट फ्रॉम मिडिल स्कूल एजुकेशन दैट इज क्लास 6।
ओके डॉक्टर मिश्र कथा जदि आमे देखिबा विशेष करी आमे अनेक पिला मानंकु देखुचंती जो माने माने कम पाठ पढुचंती अर्थात से माने अधा क्लास अधारु ड्रॉप आउट करुचंती ये संख्या हमर राज्य रे जथेष्ट अधिका जेतुले जातीय शिक्षा नीति आसीबो जेमति आपण कहुतरे जे वोकेशनल कोर्स को फोकस करा जिवो एवं जहार अंतर्निहित गुण थिवो तार मध्य विकास हेबो तो ए सब क्षेत्र रे जो ड्रॉप आउट संख्या कमिबो कि पिला मानंकरो जो क्षेत्र रे इंटरेस्ट अछि सब प्रकार पाठ्यक्रम तांकर सिलेबस रे शामिल हेबो एवं जहा द्वारा पिला माने निजो इच्छा रे जो सब्जेक्ट चाहिबे ता पढ़ी पारिबे। वर्तमान आम राज्य सरकार होंतु बा केंद्र सरकार होंतु ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ ରହିଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ କମିଲାଣି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଦି ହାପି ଜୟଫୁଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଇ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆୱେୟାର କରୁଛୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ଦେଶରେ ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜୟଫୁଲ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବ ସବଜେକ୍ଟ ଚଏସ୍ରେ ବି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଟା ସବୁବେଳେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉ ବା ସେଣ୍ଟର ହଉ ବା ସିବିଏସ୍ଇ ହଉ ବା ଆଇସିଏସ୍ଇ ହଉ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ବର୍ଷରେ ହେଇଗଲାଣି ଯେମିତି ବେସିକ୍ ଆଉ ଆଡଭାନ୍ସ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କମଜୋର ସେମାନେ ବେସିକ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବି ନେଇପାରିବେ ସେମିତି ଆମର ଉଦାରୀକରଣ ନୀତି ଆଉ ଯୋଉ ହାପି ହେଲ୍ଦି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ତାପରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଆଇ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ହେଲ୍ଦି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ଯୋଉଟା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ହେଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଉଗୁଡାକ ହେଇଛି ସେଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛି ପାଠପଢା ଖୁବ୍ ହେଲ୍ଦି ୱେରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ତାକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ସୁଦୃଢ କରିବ। ଓକେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟଲି ଯଦି କିଛି ବର୍ଷକୁ ଆପଣ ଫେରିଯିବେ ଯେ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରୁ ହେଉଛି ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରୁ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଉପସ୍ଥାନ ରହୁଛି ସେହି ହିସାବରେ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ରହୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବା ଯଦିଓ ଆକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ମତାମତ ନିଆଯିବ ତାପରେ ଏନ୍ଇପି ଲାଗୁ ହେବ ଏଇ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଗୋଟେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଠପଢା ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆମର କିଡ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ଆୱେର୍ନେସ୍ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ହାପି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ତାପରେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମିଳନ ହେଇଥିଲା ଦୁଇ ଦିନ ଆଉ ଆଜି ଆମ ଓଡିଏମ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାପୀ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଛି ଏଇ ବିଷୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦବା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଯେମିତି କୋପ୍ ଅପ୍ କରିବେ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠପଢା ସାଙ୍ଗରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରେନିଂ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କମ୍ ମାର୍କ ପାଉଛନ୍ତି ପାଠ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହଉଛି ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜିରୋ ଦୋଷ ପ୍ରଥମ ଦୋଷ ହଉଛି ଆମର ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆମ ଟିଚର ମାନଙ୍କର। ଓକେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ମୋଟାମୋଟି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସ୍କୁଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଠପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ନିଜ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନିଜ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ସେହି ହିସାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଆମେ ଏ ଆଶା ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଆତୃତାରଣ ମିଶ୍ର ଶିକ୍ଷାବିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ସୋପ୍ରାଣ
श्रद्धांजलि मानती आम प्रतिनिधि आम सहित दर्शक जोड़ी होती स्वप्ना जातीय शिक्षा नीति जहाँ कि समस्त अपेक्षा रही है एने छजिया सब कमिटी गठन हो सारी और समस्त मतामत नापर 2025 सुधा को लागू करने जो चेष्टा के प्रभावी रातीय शिक्षा नीति स्कूल स्तर में कौन प्रतिक्रिया को नहीं देखंतु निवेदिता 2030 सुधा जातीय शिक्षा नीति ऑल ओवर ओडिशा रे सबु एजुकेशन सेक्टर रे लागू करिया पई वर्तमान सबु पक्षरु चिंता करा जाय छी एवं याकु इम्प्लीमेंट करिया पई मुख्यमंत्री मध्य निर्देश दै छेंती तापर आज गणशिक्षा मंत्री कर आपन प्रतिक्रिया मध्य आमे सुनुथले जो भली भाबरे गोटे बड़ चिंतन करा जाय छी जे जातीय शिक्षा नीति को गुरुत्व दै जइबो एवं जातीय शिक्षा नीति 2020 को सबु विद्यालय रे लागू करा जइबो पूर्वरु विश्वविद्यालय कथा चिंता करा जाय छी एबे विद्यालय रे लागू करिया पई गोटे रोडमैप प्रस्तुत सरी बोली विद्यालय गणशिक्षा विभाग मंत्री नित्यानंद गंडक प्रतिक्रिया जहाँ शुणा को मिलूला कि बड़ कथा हूँ जातीय शिक्षा नीति 2020 को इम्प्लीमेंट करने पूर्व जो रिभाइज कराइला अर्थात जो भाई भाव में शिक्षा व्यवस्था जदि आप देखिए जहाँ आप जातीय शिक्षा नीति जहाँ दर्शा जा 10+2 अर्थात 10+2 पाठ्यक्रम आम पढ़ी आसीचे आम पीढ़ी पढ़ी आसीचे कि पिला क्षेत्र में 5+3+3+4 अर्थात जदि आप देखिए चारोटी पर्यायर पाठ्यक्रम को विभक्त करोटी पॉइंट को जदि आप अवलोकन करेंगे निवेदिता प्रथम पॉइंट को आप देखिए जे ओडिशा रे जो भली भाव में शिक्षार मान पूर्व समय कमी राइज करने वर्तमान जातीय शिक्षा नीति में दुईट बड़ पॉइंट को गुरुत्व दि जाइए जो भली सहरीकरण अंचल जदि देखिए शिक्षक एवं छात्र छात्री अनुपात को जदि अवलोकन करेंगे छात्र छात्री जब देखिए 30 रे शिक्षक एक रहिबार आवश्यकता रखा जिवो एवं ता सहित जब देखिए विभिन्न अंचल रे 25 आउ एक छात्र छात्री जब देखिए शिक्षक एवं छात्र छात्री अनुपात रहिबो अर्थात कौनसी स्कूल गुड़िक जमती 25 किंबा 30 छात्र छात्री गोटे शिक्षक व शिक्षयत्री रहिबार आवश्यकता अच्छी तेणु ए बाबद जब देखिए प्राथमिक शिक्षक जो निजुक्ति खाली पड़ा कथा ए दूर हो पार और पिलामानकर पाठ्यक्रम को गुरुत्व दि जाइथिबो द्वितीय पॉइंट को आप जब अवलोकन करेंगे तो ECCE अर्थात यार्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन को गुरुत्व दि जाए अर्थात जो प्राक विद्यालय पाठ्यक्रम प्रस्तुति जहाँ को खिलाप कर दि जाए प्राय समय जब देखिए 3-6 वर्ष पर्यंत एवं पर्यंत 18 वर्ष पर्यंत चारोटी विभक्त विभक्तिकरण पाठ्यक्रम को गुरुत्व दिजा तृतीय कथा जदि आप देखिए जो पिलामानकर अंगनवाड़ी पाठ्यक्रम ता सहित बौद्धिक विकास नैतिकता विकास प्रस्तुति पर्याय मध्य पर्याय माध्यमिक पर्याय तापर उच्च शिक्षा पर्याय को सेने गति करेंगे अर्थात पिलामानकर पाठपढ़ार जो विभक्तिकरण कर गोटे शब्द जहाँ को कहुए पिलामाने धीरे धीरे घोषा बल दाड़ को गति करती कौटि ना कौटि ब्रेक लगे पिलामानकर अभ्युदय हे पिलामाने चिंता करिबार विकास बढ़ पिलामानकर नुआ चिंता करिबार आग्रह मध्य बढ़ गुरुत्व दि जाइए और चतुर्थ पॉइंट गुड़िक जदि आप देखिए पिलामानकर स्कूल जीवाई आग्रह केते रोचे तार मध्य गोटे लिस्ट आउट कर स्कूल को छाड़ी जदि उच्च शिक्षा कथा मध्य परवर्त समय आलोचना करा जाउची किंतु ता पूर्वरु जदि आपण देखिबे ग्रामांचल रे जेमति कहिली शिक्षक छात्र रो अनुपात 1.30 एवं जदि शहरीकरण रो देखिबे बा अन्य जिला गुडी को जोटी भलो पाठ पढा होची बा पिला माने डेवलप करचेंति सेति 1.25 रहइबो एवं अंगनवाड़ी पाठ्यक्रम रे जेमति ECCE रो गुरुत्व दिया जाइछि ताकु मध्य अवलोकन करा जइबो एवं आदिवासी अंचल बा जनजाति अंचल कथा कोंतु बा अन्यन अंचल कथा कोंतु रीजन लांगुएज बा आंचलिक भाषार गुरुत्व दि जाए अर्थात जो पिलाटी पाठ पढ़वे टी असहज मन करूला पिलाटी को मातृभाषार केवल पाठ पढ़ापाई गोटे आमर लांगुएज ताकू ब्यारिकेड करने गोटे बाधक करने दूर करने गोटे चिंता करनईपी पक्षर जे गोटे कथा कहा जाए आंचलिक भाषा अर्थात कंधमाल कोरापुट बलांगीर अन्य जिला जे जिला गुड़िक रही से जिला रे जातीय शिक्षा नीति आसीबा को जाउछे एवं या द्वारा पिला मानंकर पाठपढ़ा प्रति आग्रह बढ़ शिक्षा नीति आसीबा द्वारा जो सिलेबस गुड़िक परिवर्तन आसीबा पिला माने निज इच्छा रे सब्जेक्ट चयन करी सेतरे पाठ पढ़ी पारिबे या द्वारा पिलांकर पाठ पढ़ीबा पई मनोबल मध्य वृद्धि एवं भल रिजल्ट हबो विशेष करी जो सरकारी स्तर रो स्कूल गुड़िक रही एतरे भल रिजल्ट मध्य हबो अपेक्षा रही जातीय शिक्षा नीति आसीबा द्वारा कौन सब परिवर्तन होउछि बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्नांजलि महंती आम प्रतिनिधि जोड़ी होते सदाशक अधिक आलोचना करुथिले समय छोटिया ब्रेक रो ब्रेक पाइन रोचु ब्रेक पर फेरबा आउ एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को नि आलोचना करबा
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।